दोस्तों, आज मैंने सितंबर की GSTR वन भरने का प्रयास किया और टैली की जो हम जेसन फाइल जनरेट करते हैं GSTR वन की, उसको जैसे ही पोर्टल पर अपलोड करने का प्रयास किया तो मुझे यहाँ एक एरर शो हुई। तो वो एरर क्या है, क्यों आ रही है, अगर आपको भी वो एरर आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एरर मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों, जब मैंने सितंबर के लिए GSTR वन जेसन फाइल जनरेट करी टैली से और उसको अपलोड किया, तो यहाँ पर मैसेज आया कि आपने जिस टूल्स के माध्यम से ये जेसन फाइल जनरेट की है वो पुराना टूल है, कृपया नए अपडेटेड टूल का इस्तेमाल करें। अब ये एरर किन किन लोगों के आएगी, तो ये एरर ऐसे लोगों के शो होगी जो टैली का लेटेस्ट रिलीज 6.6.3 से नीचे यूज कर रहे हैं और साथ में क्रेडिट नोट की एंट्रियाँ भी कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ टैली का वर्जन 6.4.9 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन 6.6.3 से लोएस्ट है, और साथ में क्रेडिट नोट की एंट्रियाँ भी कर रहा हूँ, तो ये एरर मेरे आएगी। और ये एरर क्रेडिट नोट की वजह से आई। अब क्यों आई क्रेडिट नोट की वजह से, उसको भी जान लेते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो GSTR वन का स्ट्रक्चर है वो पोर्टल पर चेंज हो गया है। पहले जो GSTR वन के अंदर क्रेडिट नोट वाला सेक्शन था, उसके अंदर इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट कंपलसरी था। अब इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वाला फील्ड हटा दिया गया है। इस वजह से हमारे जो GSTR वन है जेसन फाइल टैली के माध्यम से जो जनरेट कर रहे हैं वो पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही है। इसको समझने के लिए हम जैसे एक बार इसको एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। GSTR वन मेरी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई है, तो मैं यहाँ क्रेडिट नोट वाला सेक्शन खोल लेता हूँ और स्टार्टिंग में आ जाता हूँ इसके। तो आप देख लीजिए, यहाँ इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट मांग रहा है, जबकि जो मैंने अभी आपको पोर्टल वाला दिखाया था, पोर्टल वाले में से इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट हटा दिया गया है। तो इसका क्या समाधान है? तो इसका जो पहला समाधान है वो ये है कि आप टैली के .NET सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कर लीजिए, जिसको हम TSS रिन्यू भी बोलते हैं, और टैली का लेटेस्ट वर्जन 6.6.3 को अपडेट कर लीजिए। इसमें आपके कुछ पैसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये हेडक आपका ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और पुराने वर्जन से ही काम चलाना चाहते हैं, तो जो मैट्रिक बता रहा हूँ उसको यूज कीजिएगा, आपकी GSTR वन भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि आपको Notepad++ डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के ऊपर। जब ये इंस्टॉल हो जाए और ओपन हो जाए, तो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ एक ऑप्शन है प्लगइन्स, इसमें जाना है। और प्लगइन्स में जाने के बाद यहाँ प्लगइन्स एडमिन के अंदर जाना है। यहाँ एडमिन में जाएंगे तो यहाँ आएगा अवेलेबल। अवेलेबल में आपको देखना है जेसन व्यूअर। जेसन व्यूअर के नाम से आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहा है। उस पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल उसको कर लेंगे सक्सेसफुली, तो आपको प्लगइन्स के अंदर यहाँ जेसन व्यूअर के नाम से एक ऑप्शन आने लग जाएगा कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद अब हम टैली की GSTR वन को जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सभी को आता होगा ये एक्सपोर्ट करना। तो कुछ ही सेकंड में मेरी ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब एक्सपोर्ट होने के बाद आपको राइट बटन क्लिक करना है और ओपन विथ इसको करना है। Notepad++ के अंदर इसको ओपन करेंगे। इसको मैंने यहाँ ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको ये जेसन फाइल कुछ इस तरह से दिख रही है, जो रीडेबल नहीं है, इसको रीडेबल फॉर्मेट में लाना है। तो हम करेंगे प्लगइन पर क्लिक, और जो भी हमने जेसन डाउनलोड किया था उसके अंदर हम करेंगे क्लिक फॉर्मेट जेसन के ऊपर। जितने भी आपके सेक्शन है वो सारे यहाँ दिखेंगे आपको। जैसे V2B है, ये आपका V2B हो गया, V2CS हो गया, यहाँ ये आपका CDNR है। तो CDNR में जो भी आपके क्रेडिट नोट हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे, और क्रेडिट नोट में से आपको क्या करना है, इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर को आपको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से और यहाँ तक एग्जैक्टली आप देखिएगा कहाँ से कहाँ तक आपको डिलीट करना है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। और जितने भी आपके क्रेडिट नोट हैं उनमें से सबको इनवॉइस नंबर को और इनवॉइस डेट को आपको डिलीट कर देना है, और उसके बाद इसको सेव कर देना है इस फाइल को। और इस फाइल को अब सेव करने के बाद हम पोर्टल पर लोड कर देंगे, जो आराम से लोड हो जाएगी बिना किसी समस्या के। तो आई होप दोस्तों आपको समाधान मिल गया होगा।
तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल आसान सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।